तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नया वीडियो में, जिसमें बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी के बारे में। और न्यू वैकेंसी 2023 नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, और सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, मतलब कि ए टू जेड जो आपका जानकारी जो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको देने वाला है, मतलब कि संपूर्ण जानकारी, आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका डाउट बना रहेगा। तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए करना क्या है, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का लिंक, शो वहां पे भी ऐड हो जाएगा, ताकि जो भी टाइम टू टाइम अपडेट इन्फॉर्मेशन आए आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पर, एंड डिस्कस कर लेते हैं ए टू जेड जो भी इसके बारे में दे रखा है। तो चलिए हम आ चुके हैं वेबसाइट पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कोस्ट गार्ड आता है, आपको पता है भारतीय तटरक्षक बल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी निकाल दिया गया है। चलिए हम इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कितने तारीख से, 1 जुलाई से फॉर्म आपका भरा जाएगा, तो ये आपको डेट याद रखना है। और लास्ट डेट जो होने वाला है 14/8/2023। चलिए मैं आपको पहले आपका इसका नोटिफिकेशन जो है वो दिखा देता हूँ। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ रिक्रूटमेंट फेज टू इंडस्ट्रियल C1 फेज टू इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 62 नोएडा UP, ये आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल के लिए भर्ती निकाला गया है। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविलियन, ये भर्ती निकाला गया है सिविलियन पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए है ऑर्डिनरी ग्रेड, और MT फिटर मैकेनिकल के लिए, MT क्लीनर के लिए दे रखा है, MT माली के दे रखा है। और यहाँ पे और जैसे कि मैं आपको बात कर लूँ, MTS माली का, MTS प्यून का और MTS स्वीपर का ये वैकेंसी निकाला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सारे ग्रुप सी पोस्ट के लिए है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, और जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ पे आप 45 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा। जैसे ही मतलब कि 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जुलाई से लेके आप 45 दिन तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। राइट, चलिए लेके चलते हैं, बाकी वहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, आपका 14 तारीख तक चलेगा, 14 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो भरा जाएगा ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, मैं पहले ही आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे सोचे ऑनलाइन है, नहीं ऑफलाइन है। और ये सिविलियन पोस्ट के लिए भर्ती निकाला गया है, तो ये अभी आप जान लीजिए। ओके, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये भर्ती क्या चीज़ का, DB हो या फिर GD हो, ये DB GD का भर्ती नहीं है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ये भर्ती आपका होने वाला है सिविलियन पोस्ट के लिए, जैसे कि मैंने बताया MTS ड्राइवर के लिए, MTS प्योन माली वगैरह के लिए। एज लिमिट जो रखा गया, जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और नहीं भी इंटरेस्टेड है तो भी जरूर फुल वॉच कीजिएगा। ओके, यहाँ पे मिनिमम एज देख सकते हैं 18 साल है, और मैक्सिमम एज 27 साल है। एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो अपना 30 साल तक फॉर्म भरेंगे, और SC ST कैंडिडेट जो मिलेगा फॉर्म उनको, वो 32 साल तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। चलिए अगर बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल यहाँ पर आप देख सकते हैं। राइट, मैं आपको पे स्केल यहाँ पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल के दे रखा है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर वगैरह के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लेवल 2 का सैलरी है। MTS फिटर और मैकेनिक के लिए लेवल 2 का सैलरी 19,900 से 63,200 तक आपको मिलने वाला है। हाँ, सेकंड चीज़ बात करें MTS जो भी है, MTS में प्यून स्वीपर माली के लिए, यहाँ पे मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर वगैरह के लिए 18,000 से लेकर 56,900 तक लेवल 1 का सैलरी यहाँ पे, और लेवल 2 का सैलरी यहाँ पे। टोटल पोस्ट की बात कर ले, सिविलियन भर्ती आपको पता है बहुत कम सीटी आती है। ओके, तो ये 10 पदों पे भर्ती निकाला गया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो फॉर्म जरूर फिलअप करेगा। ओके, जो भी इंटरेस्टेड है। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं, और 10th पास पे यहाँ पे रखा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मोटर ड्राइवर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए चाहिए, तो भाई साहब बिना लाइसेंस के आप कैसे चलाइएगा। MT फिटर मैकेनिक के लिए जो दे रखा है यहाँ पे भी 10th पास प्लस 2 साल का ITI या डिप्लोमा फिर आपके पास होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। यहाँ पे अगर बात करें तो MTS जो मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर है, यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे आपका किस चीज़ का, MTS प्यून के लिए बात कर ले, या फिर MTS आपका सफाई वाला हो, माली हो, जो भी है स्वीपर प्यून, और यहाँ पे सिर्फ आपको 10 साल नहीं हुआ, 10th पास आपका होना चाहिए, बाकी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं से भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। राइट,
तो ये फॉर्म फिलअप ज़रूर कर दीजिएगा जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है। और ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो और भी इंटरेस्टेड नहीं है, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भी भरेंगे और भरते भी हैं। बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं और वही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, राइट। फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है, आपको बाद में करना है नहीं करना है, पैसा लग नहीं रहा है तो फॉर्म भरिए भाई साहब, दिक्कत क्या है, ओके। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और कहाँ पे, टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, सो वहाँ पर ऐड हो जाइए। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा फॉर्म कैसे भरना है और आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, फॉर्म भरना कैसे, भेजना कहाँ पर, वो सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।